Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from unit number 4. Algebraic expressions and algebraic formulas. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं अलजेब्रिक फार्मूलाज पे. जो हम डिस्कस करेंगे आज वो आपकी बुक के पेज नंबर 83 पे है. बुक पेज नंबर 83 अलजेब्रिक फार्मूलाज. तो नंबर 1 देखें कि फार्मूला क्या है. a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस बी 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो देखिए प्रूफ करना है हमने. ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला गिवन है. आपकी बुक के पेज नंबर 83 पे है, लेकिन बुक पेज नंबर 83 पे इस फार्मूले का प्रूफ नहीं हुआ. तो यहाँ पे हमने इसको प्रूफ भी करना है कि ये एक दूसरे के इक्वल कैसे होते हैं. तो a प्लस बी होल स्केयर प्लस a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर. तो देखिए प्रूफ में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a प्लस बी होल स्केयर प्लस a माइनस बी होल स्केयर. ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, जो कि 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर है. तो अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्केयर किसके इक्वल होगा? यहाँ पे हमने फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी उसको उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करते हुए इसको सॉल्व किया है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस साइन एज इट इज. नेक्स्ट है a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे सेकेंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हमने पहले जो है वो पढ़ चुके हैं वो यूज की है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. जस्ट हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिटीज जो है वो ओपन की है. ठीक है, आइडेंटिटीज जो है वो ओपन करने के बाद सिंस के a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि ये इसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसको हमने यहाँ पे यूज किया है. एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इट्स मीन ये जो है वो ये इसके इक्वल होगा. इसलिए हमने यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिटीज यूज की है. अब आइडेंटिटीज हमने उनको अप्लाई कर लिया. इसके बाद हम जस्ट यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है हमने. इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एज इट इज. अब ये प्लस का साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाली हर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 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 होगा प्लस बी स्क्वायर, और नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2ab. अब यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे भी ए स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2ab है. अब हमें ये नज़र आ रहा है यहाँ पे ए स्केयर जो है वो 2 टाइम्स है और बी स्केयर भी 2 टाइम्स है, लेकिन इन दोनों के साइन जो हैं दोनों टर्म्स के साथ सेम है. ए स्केयर दोनों जो है वो एडिशन के हैं, प्लस के हैं, और बी स्केयर जो दोनों हैं वो भी प्लस के हैं. लेकिन ये जो टर्म है हमारे पास 2ab एंड 2ab, इन दोनों के साइन चेंज है. तो साइन जो है वो दोनों के जब चेंज होते हैं ओपोजिट साइन वाले टर्म्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. मीन्स प्लस 2ab एंड माइनस 2ab कैंसिल आउट होंगे. डन. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब जस्ट हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स बच गई. तो अब हमने ए स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स को नेक्स्ट स्टेप में इकट्ठा किया है. ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वेयर देन प्लस बी स्क्वेयर एंड प्लस बी स्क्वेयर, ये टर्म्स जो है वो दोनों हमारे पास आ गई। अब ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2a स्क्वेयर, क्योंकि a प्लस a यानी 1 प्लस 1 2, 2a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ये भी 2b स्क्वेयर के इक्वल होगा। अब यहाँ देखें इन दोनों के जो इंटीग्रल कोफिशियंट्स हैं दोनों टर्म्स में, दोनों पॉलीनोमियल्स में, वो 2 है, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2 ब्रैकेट के बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो टर्म बचेगी वो क्या होगी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्योंकि राइट हैंड साइड भी हमारे पास 2 × a² प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल थी। तो यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर प्रूव कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये जो है फार्मूला प्रूव हो गया कि a प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल होता है 2 × a² प्लस बी स्क्वेयर के। और ये जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है प्रूव किया है, इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 4.2 में भी और आपकी बुक के पेज नंबर 83 पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं उनमें यूज़ करना है, इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट है नंबर 2। अब यहाँ पे एक और फार्मूला भी है आपकी बुक के साथ ही लिखा हुआ है इसी फार्मूले के साथ, एंड ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ab। अब यहाँ पे ये था कि ये दोनों जो टर्म्स जो है वो ऐड हो रही थी, लेकिन नेक्स्ट में ये दोनों टर्म्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो किसके इक्वल है, 4ab के। कैसे, अब हमने इसको भी प्रूव करना है, तो प्रूफ देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वेयर, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हमने जैसे कि फर्स्ट ये जो हमने फार्मूला प्रूव किया था इसमें भी आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वेयर को हमने यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी यूज़ होगी, तो a प्लस बी होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, माइनस साइन मीन में एज इट इज, देन a माइनस बी होल स्क्वेयर है, तो यहाँ पे हम जो है वो सब्ट्रैक्शन वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो जब आइडेंटिटी अप्लाई की है तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab होगा। अब यहाँ पे साथ हमने लिख दिया सिंस के a प्लस बी होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, जो हमने यूज़ किया है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab के, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट a माइनस बी होल स्क्वेयर किसके इक्वल है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो ब्रैकेट से उनको सिंप्लीफाई करना है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर एज इट इज प्लस बी स्क्वेयर भी एज इट इज देन प्लस 2ab। अब नेक्स्ट इस माइनस साइन जो है इसको हमने इन ब्रैकेट के अंदर वाली तीनों टर्म्स के साथ ऑपरेट करना होगा, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर के साथ प्लस का साइन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस भी टर्म या जिस भी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं होता उसके साथ प्लस साइन कंसीडर किया जाता है, तो प्लस माइनस माइनस होगा माइनस ए स्क्वेयर, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वेयर होगा। अब 2ab के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस और माइनस जब ऑपरेट होंगे तो प्लस होगा माइनस माइनस प्लस 2ab। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म बच बन गया वो क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो अब यहाँ पे सारे टर्म्स हमारे पास 2 टाइम्स है, ए स्क्वेयर भी 2 दफा है, बी स्क्वेयर भी 2 टाइम्स है एंड 2ab 2 टाइम्स है,
लेकिन ए स्केयर और बी स्केयर ये दो टर्म्स जो हैं ये दोनों जो है सेकेंड टाइम जब आ रही हैं तो इन ओपोजिट साइन के साथ है, मीन्स एक दफ़ा प्लस का साइन है इनके साथ और सेकेंड टाइम इनके साथ माइनस का साइन है, तो ऑपोजिट साइंस वाले टर्म्स को हम कैंसिल कैंसिल आउट करेंगे, ए स्केयर और ए स्केयर प्लस माइनस माइनस मीन कैंसिल आउट होंगे, प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर ये दोनों भी कैंसिल आउट होंगे, तो क्या बचेगा नेक्स्ट टू ए बी प्लस टू ए बी, क्योंकि दोनों जो है वो प्लस साइन के साथ हैं तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, हम इनको सॉल्व करेंगे, तो टू ए बी प्लस टू ए बी तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं 2 प्लस 2 4, यानी 2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ab, तो 4ab जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी राइट हैंड साइड जो है वो 4ab के इक्वल थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमने ये जो दो फार्मूलाज हैं उनके प्रूफ किए हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 में का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हम इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपकी बुक के पेज नंबर 83 पे जो एग्जांपल है वो आपने खुद जो है वो इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाइड हुई हुई है, सॉल्व हुई है, लेकिन आपने खुद उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, ए और बी पार्ट दोनों जो है वो आपने खुद उसके सिंप्लीफाई करने होंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.2 आपकी बुक के पेज नंबर 87 पे है, तो अब हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज सॉल्व करना है, इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व होंगे, तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है उसमें है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, अगर a प्लस बी 10 के इक्वल हो एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 और a माइनस बी जो है वो 6 के इक्वल हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर, तो फिर हमने a स्केयर प्लस b स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन हैं, एक तो हमें जो है वो a प्लस b गिवन है वो 10 के इक्वल है, और एक a माइनस बी गिवन है वो जो कि 6 के इक्वल है, तो देखिए सॉल्यूशन में अब हमने a स्केयर प्लस b स्केयर कैसे फाइंड करना है, तो गिवन डैट फर्स्ट स्टेप में जस्ट हमें जो चीज़ें गिवन है वो हमने लिखनी होगी, ये क्या गिवन है, गिवन डैट a प्लस b इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 6, देन वी हैव टू फाइंड, अब हमने फाइंड क्या करना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अब ये हम फाइंड कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये बताना है कि हम उसको फाइंड कैसे करेंगे, किस फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए वी यूज द फार्मूला, हम फार्मूला यूज करेंगे, वो फार्मूला क्या होगा जो कि हमने अभी इसी लेक्चर में जो हमने फर्स्ट फार्मूला प्रूव किया है a प्लस बी होल स्केयर प्लस a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला जो है वो हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है, तो उसको यूज करते हुए हम ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, वी गेट कि इस फार्मूले के अंदर जो है जब हम वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस बी जो कि हमें गिवन है 10 और ए माइनस बी जो कि हमें गिवन है 6, जब इस फार्मूला के अंदर हम a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे मीन पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा, अब a प्लस बी होल स्केयर था तो a प्लस बी हमारे पास 10 के इक्वल है, ये a प्लस बी इक्वल टू 10, तो यहाँ पे a प्लस बी की जगह हम 10 पुट करेंगे, 10 स्केयर प्लस साइन एज इट इज,
अब नेक्स्ट है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी किसके इक्वल था, सिक्स के इक्वल। तो यहां पे हम ए माइनस बी की जगह पुट करेंगे सिक्स होल स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब टेन का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, हमने टेन का स्क्वायर फाइंड करना है, मीन 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, प्लस 6 का स्क्वायर क्या है, मीन 6 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 36। तो 6 का स्क्वायर क्या है, 36। 100 प्लस 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 100 प्लस 36, 136 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू को फाइंड करना था, और हमारे पास ये क्या है, 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है। यहाँ से हमने 2 को रिमूव करके जस्ट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लाना है, तो क्या करेंगे, ये 2 जो है वो यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जब इसको साइड चेंज करेंगे तो ये 136 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस होगा कि 2 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, साइड चेंज होगी तो ये जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 136 ओवर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो 136 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 68। तो 68 किसके इक्वल होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के, और हमने जस्ट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू ही फाइंड करनी थी जो कि 68 के इक्वल आ गई। हेंस द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 68, ये आप लोगों का आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब उस फार्मूले को यूज करते हुए हमने आसानी से जो है वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू जो है फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 है, जो हमने पहले सॉल्व किया है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हमें क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, अगर ए प्लस बी जो है वो 5 के इक्वल हो एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 17, और ए माइनस बी इक्वल हो स्क्वेयर रूट ऑफ 17 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो फिर हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर ए प्लस बी गिवन हो 5 के, सॉरी इक्वल हो 5 के, एंड ए माइनस बी इक्वल हो स्क्वेयर रूट ऑफ 17 के, तो हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखें, इस सॉल्यूशन में हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टेप में हमने वही लिखना है जो हमें चीजें गिवन है। तो देखें क्या गिवन है, गिवन दैट a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 17, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अगर a प्लस बी 5 के इक्वल हो एंड a माइनस बी जो है वो स्क्वेयर रूट ऑफ 17 के इक्वल हो, तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये बताना है कि हम ए बी की वैल्यू जो है वो किस फार्मूला को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो देखें, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी यूज द फार्मूला। हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में फार्मूला यूज किया था वो था ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और हमने इसको प्रूव भी किया था। लेकिन अब यहाँ पे हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम
यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो सेकंड होगा, मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इस फार्मूले में को यूज़ करते हुए हमने ab की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17 के। जब हम इस फार्मूले के अंदर जो है वो a प्लस बी जो कि 5 के इक्वल है हमें गिवन है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड a माइनस बी इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 17 के, ये भी गिवन है। जब हम इन दोनों को इस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, तो देखें a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी किसके इक्वल है 5 के, तो 5 होल स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज। नेक्स्ट है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी किसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 17 के, ओके तो स्क्वायर रूट ऑफ 17 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो 5 का स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है 25 के माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 17 है तो उसका जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 के इक्वल होती है, तो 1/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 2 कैंसिल होकर जस्ट हमारे पास 1 बचता है, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या होगा 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा जस्ट 17। 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 4ab, 4ab के इक्वल होगा, तो 25 में से जब हम 17 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 8, 8 इज इक्वल टू 4ab। अब ये है और हमने इसमें फाइंड क्या करना है ab की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो है उसमें के साथ ab के साथ 4b है, तो हमने यहाँ से 4 को जो है वो सॉल्व आउट करना होगा, तो ये 4 यहाँ पे ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे मीन्स इस कॉन्स्टेंट्स को अलग करेंगे तो ये ab तो वेरिएबल्स है या पॉलीनोमियल कर लें, तो जब नीचे आएगा 4 तो ये 4 जो है वो दूसरी जब साइड चेंज होगी ट्रांसपोजिशन होगी तो ये 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 4 को जब 8 के साथ डिवाइड किया जाएगा तो 8 को जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 एंड 4 2 8 तो 2 इज इक्वल टू ab, तो 2 जो है वो ab के इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पे ab की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि किसके इक्वल है 2 के, हेंस द वैल्यू ऑफ ab इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे जो ab की वैल्यू है वो किसके इक्वल है 2 के। तो आज वाले लेक्चर में हमने जस्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 का जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है बाय यूजिंग द फार्मूलाज, और दोनों क्वेश्चंस के दोनों पार्ट्स में जो जो फार्मूलाज यूज हुए हैं वो मैंने आपको पहले प्रूफ करके बताए हैं, तो नेक्स्ट जो है वो आपने इसकी एग्जांपल जो पहले भी बता चुकी है वो आपने खुद सॉल्व करनी है, आपकी बुक पे सॉल्व हुई है जस्ट आपने उसको दोबारा से जो है वो सॉल्व करना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।